नमस्कार, मैं हूँ सुभेश कुमार और आप देख रहे हैं इनोवेशन लेबोरेटरी। आज हमारी बातचीत होने वाली है विवेक जी से और जॉब्स के मुद्दों पे हमारी बातचीत होगी आपस में एक दूसरे से कि इंडिया के अंदर आज जॉब एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही और ये तमाम हम सवाल होगी हमारे, इनके भी कुछ सवाल होंगे तो एक चर्चा का विषय हम लोगों ने बनाए हैं कि आज इंडिया के अंदर जॉब यदि नहीं मिलता है तो उसका क्या साइड इफेक्ट होता है और कितना एज तक नहीं मिलने के बाद क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इन तमाम मुद्दों पे बात होगी। मेरा सबसे पहला सवाल है कि यदि इंडिया के अंदर आज यूथ को कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज़ बैठा हुआ है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी के लिए न जाने कितने साल तक वो तैयारी करते हैं, 25 साल 30 साल तक तैयारी करते हैं और कुछ लोग को तो जॉब मिल जाता है लेकिन भारत में एक बहुत सारी आबादी जो बच जाती है जो जॉब नहीं मिल पाता है, तो उस परिस्थिति में यूथ अपने आप को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करने को उतारू हो जाते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं बन पाती है। विवेक जी, मेरा अगला सवाल और मैं ये सवाल क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज का जो यूथ है कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक जॉब का कहीं ना एक प्रकार का कीड़ा बैठा हुआ रहता है कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी तभी मेरी समाज में प्रतिष्ठा बचेगी, हमारा करियर सेटल होगा, जीवन बेहतर होगा, लेकिन हर किसी को सरकारी जॉब मिल नहीं सकता है, लेकिन वो ऐसा एम बना के चलता है ये नहीं तो कुछ नहीं, फिर लास्ट में सोसाइटी तक का नौबत आ जाता है और आप रिपोर्ट भी देखेंगे तो प्रत्येक इंडिया के अंदर 3 से 4 मिनट में कहीं ना कहीं सुसाइड हो जाता है, तो उन यूथ को इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? सुसाइड का वजह पहले क्या है? दिखाई तो दे रहा है कि फलाना ने सुसाइड कर लिया, चिलाना ने सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड का वजह जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी है। सुसाइड का वजह जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी है। बच्चा नंबर कम लाया, माँ बाप पड़ोसी का बच्चा इतना नंबर लाया तुम सब पढ़ने में कमजोर है। ठीक, कुछ लोग मेरा बच्चा पढ़ने में यह है वो है हमेशा टॉपिक करता, भले वो टॉप ना करता, उसके बाद फलाने को जॉब हो गया, तुम अभी तक घर में बैठा हुआ नहीं ठल्ला घूम रहा, फलाना इतना पैसा कमा रहा तुम्हारी उम्र में इतना पैसा कमाने लगा तुमको अभी 10 साल लगेगा जॉब करने, ये सब टाइप का जो क्वेश्चन है ना ये फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से ज़्यादातर सुसाइड का केस होता है। जब मैं एकेडमिक्स में था तो मेरे कॉलेज में एक जूनियर थी हमारी, 80% मार्क्स लाए और रिजल्ट आने के अगले दिन वो सुसाइड कर लिया। सुसाइड का वजह क्या? क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड था कि वो 95% प्लस लाएगी, 85% आया, 80% आया, ये उसको कम लगा, इसके वजह से वो सुसाइड कर लिया। तो उसको फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं 80% मार्क्स कम नहीं होता लेकिन उसको मतलब इंटरनली इतना दबाव उसको महसूस हुआ होगा कि इतना पढ़ने के बाद मेरा 80% आया तो मेरे कुछ आया नहीं, मैं तो दुनिया में सब कुछ खो दी, बेचारी चली गई। अगर उसके पेरेंट्स उसको दबाव देते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि दबाव देते थे, देते होंगे तो गलती उनकी भी है और मतलब एक कल्चर बन चुका है कि आप फर्स्ट डिवीजन नहीं किए तो आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, आप सेकेंड डिवीजन कर गया अब तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपका कहना ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसके सोसाइटी के पीछे कहीं पे समाज का दोष है, गार्जियन का दोष है। बिल्कुल, कि समाज अपने सिस्टम पर दोष है कि समाज को भी लगता है कि ये बच्चा नौकरी करके आएगा तभी समाज में इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। बिल्कुल, गार्जियन को भी लगता है। अच्छा, एक बात हमें बताइए, जब बच्चा जन्म लेता है तभी लगभग गार्जियन ये डिसाइड करते हैं कि हमारा बेटा बेटा हुआ तो इंजीनियर बनेगा, बेटी हुआ तो डॉक्टर बनेगा, फलाना बनेगा, ये पेरेंट्स डिसाइड पहले कर लेते हैं, क्या ये सत्य है? ये करना चाहिए? करना नहीं चाहिए तो, लेकिन समझाने को तो जिसे होता है ना कि करना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, बेटी को डॉक्टर बनाएंगे। नहीं, यहाँ पे देखिए आज बहुत सारी फिल्में आ रही है इस टॉपिक्स पर और एक फैक्ट ये भी है कि जो थर्ड डिवीजन हो जाते हैं वो उनको जब वो कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, थर्ड डिवीजन बच्चे को काफ़ी मुश्किल का करना पड़ता है।
अब वो उठा के लिए नहीं आ सकता। और दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया के हर इंसान, उसके पास कोई ना कोई आर्ट होता है, कोई ना कोई कला होता है जिसमें वो अव्वल होता है। जैसे आप जब एकेडमिक्स में होंगे तो आपके क्लास में मान लीजिए 60 बच्चे लगभग, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, तो 60 बच्चों को कोई पढ़ने में अच्छा होगा, कोई शरारत में अच्छा होगा, कोई टीचर्स की शरारती होगा टीचर्स की मिमिक्री कर रहा होगा, कोई कॉपी करता है जो उसके क्लासमेट्स हैं उसके मतलब की एक्टिविटीज का कॉपी करता है, एक्टिंग करता है, लेकिन उनको उस क्षेत्र में नहीं भेज के जबरदस्ती की तरफ फर्स्ट डिवीजन करवे करो, डॉक्टर बनवे करो। जो एक्टिंग कर सकता है उसके आपको ऑपरेशन करने के लिए कहिएगा तो क्या ऑपरेशन करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट होते हैं तो उनके ऊपर ये फैसला छोड़ दिया जाए कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। हाँ, फैसला भी छोड़ा जाए और प्लस एबिलिटी को भी चेक करने का कोई ऐसा मापदंड हो ना कि। अच्छा, ये बात तो आप सही बोले, लेकिन अगर ये हम औसतन बात करते, लेकिन आज एक मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें जो ना लो क्वालिटी की है, जिनके पास अगर बच्चा डिमांड भी रख लेगा कि हमको इंजीनियर बनना है, लेकिन इंजीनियर की पढ़ाई के लिए उस फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएगी, उस कंडीशन क्या होती है? देखिए, एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपने जगह है, इंजीनियरिंग अपने जगह। लोगों को क्या लगता है कि हमने इंजीनियरिंग की डिग्री ले लिया अब हम इंजीनियर हो गए, और कंपनियां भी बिना डिग्री के इंजीनियर्स को पूछती हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि इंजीनियरिंग ब्लड में होता है, कोई किसी डिग्री इंजीनियरिंग किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब न्यूटन जो है ग्रेविटी के लॉ को डेवलप किया, उस समय उन्होंने कौन सी इंजीनियरिंग की थी? तो सवाल जब आइंस्टीन ने रिसर्च किया, एक कॉन्सेप्ट दिया, उस उन्होंने कौन सी इंजीनियरिंग की थी? आज आगे लाखों करोड़ों इंजीनियर्स हर साल निकल रहे हैं इंडिया से, एक इंजीनियर ऐसा बता दीजिए जिसने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया हो जो आइंस्टीन या न्यूटन के इक्विवेलेंट हो, या कोई ऐसा सम सॉल्व, इक्का दुक्का के अलावा आप नहीं बता पाओगे। तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग मेडिकल प्रोफेशन ब्लड में होता है, ये डिग्री का मुद्दा नहीं होता। आप देखते होंगे कि कभी एक मोटरसाइकिल रिपेयर करने वाला जो स्टोर होता है छोटा सा, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता, लेकिन वो कुछ ऐसा डेवलप करके गाड़ी में चिप लगा देता है कि वो मतलब कि उस यूनिक हो जाती है गाड़ी। और बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर्स वो काम नहीं कर पाते बिना टीम के, ये बंदा तो उसके ब्लड में इंजीनियरिंग। अच्छा, एक चीज़ और आपसे ये था हमको कि जैसे कि जो बड़े पैसे वाले हैं फिर उनके लिए तो प्रॉब्लम्स है नहीं उनके बच्चों के लिए, लेकिन जब बात आती है मध्यम वर्गीय परिवार की, अगर हम बात करें किसान परिवार की बात करें, जब उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ जिसे होता क्या है कि पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे, 25 साल 26 साल 27 साल उम्र तक पढ़ाई करेंगे जब तक जॉब नहीं लग जाए, कल जॉब नहीं मिले कल फिर बाउंस बैक आते हैं। तो मेरा आपसे ये जानना है क्या उस बच्चे को पढ़ाई के दौर में ही कुछ पार्ट टाइम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इसे दो चीज़ें होती हैं। अगर मान लीजिए कोई बंदा है वो एजुकेशन ले रहा है कहीं पर किसी भी जगह पर पढ़ाई कर रहा है, और साथ में मान लीजिए ऑनलाइन कोई कमा काम कर रहा है, या ऑफलाइन कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, या अपना एक छोटा सा बिजनेस सेट कर रहा है, तो जब तक उसकी क्वालिफिकेशन पूरी होगी या तैयारी कंप्लीट होगी या जॉब हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जॉब नहीं होता तो जब तक मैं वो जॉब का ट्राई करना छोड़ेगा तब तक मैं उसके पास एक सेटअप बैकएंड तैयार हो जाता है, और वो बैकएंड उससे वो आसानी से, चूँकि पीछे से बैकअप किया काम किया हुआ है तो उस बैकअप को काफ़ी आसानी से डेवलप कर सकता है, और वो बैकअप उसको आगे मतलब कि काफ़ी सपोर्ट करता है। तो इसलिए करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स भी ये कहते हैं, गार्जियन जो होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ाई ही करना है, अगर तुमने पार्ट टाइम कुछ किया तो दिमाग डाइवर्ट होगा, समय लगेगा, हम तुमको पढ़ने के लिए पैसा भेज रहे हैं, तुम क्या करने लगा है, पढ़ाई के टाइम क्या करता है, इस टाइप का कहीं एक रहता है और बात उत्पन्न होती है जिससे कि बच्चे जो है पढ़ाई के साथ कुछ करना नहीं चाहते। ये भी तो एक फैक्ट है। नहीं, फैक्ट ये है लेकिन ये होना नहीं, ऐसा नहीं
क्यों ना लिखे, ट्रैक करना चाहिए। और आजकल डाइवर्सिटी की दुनिया है, लोग आप सोचते हैं कि चला एक काम के साथ साथ मैं 100 काम कर रहा हूँ, कंपनियाँ भी चाहती है कि मुझे डाइवर्सिफाइड बंदे चाहिए। तो अगर आप बचपन से डाइवर्सिफाई हैं तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? वो कॉन्सेप्ट पुराना हो गया, वो कॉन्सेप्ट अब आज के यूथ के लिए वो कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए लास्टली वाला एक सवाल आपसे है कि बहुत सारी हमारी बातचीत हो रही थी अभी यूथ के ऊपर, जॉब के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, लास्टली क्या मैसेज देना चाहिए गार्जियन को और यूथ को जो जॉब ही कोई सब कुछ मांग रहा है? पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको मैसेज ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। स्पेशली क्या मैसेज है एक बार पूरा वीडियो देख। चलिए हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे। अगर हमारी बातचीत आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि ये वीडियो देखने के बाद उन पेरेंट्स के पास पहुंचना चाहिए, उन यूथ के पास पहुंचना चाहिए जो जॉब्स नहीं मिलने पर आत्महत्या कर लेते हैं। कई विकल्प हैं, पढ़ाई के साथ हम जॉब्स कर सकते हैं, पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं, पहुंचना चाहिए। तब तक आपसे लेते हैं विदा, फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे कोई और यूनिक टॉपिक पर जिससे आपकी हमारी बातचीत में आप देखेंगे। धन्यवाद।